मैं आप हजरात के सामने चंद बातें कुरान से संबंधित मैं बोलते हैं। कुरान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और इस वक्त कई बेशुमार जबानों में पढ़ी जा रही है। अनगिनत लामहदूद सवाबों का हामिल किताब है जिसको रमजान में लोग पढ़ते हैं। एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और रमजान मुबारक के महीने में वही एक हर्फ के पढ़ने पर 70 नेकियां मिलती हैं। बिरादरान इस्लाम, ये कुरान मजीद 23 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लाहे महफूज से उतारा गया और ये मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ जगहों में आज जिस शक्ल में हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये शक्लें नहीं थी। वक्तन फौक्तन गाहे बगाहे जिब्रील अमीन आते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजर में सफर में क्याम लैली नहारी कभी दिन कभी रात कभी सफर कभी क्याम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी सहाबाए किराम की जमात। इसीलिए सहाबा की इंट्रोडक्शन तारीफ यह है कि जो लेना किया हो मुलाकात की हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साथ में नमाज पढ़े हो बैठे हो उठे हो मजलिसों में बैठे हो ऐसे हालात के लोगों को सहाबाए किराम कहा जाता है। और असहाबतु कुल्लुहुम आदिलुन तमाम के तमाम सहाबा क्या है आदिल है। जो वक्त जिस वक्त जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते तो अमल पैरा होने के लिए सरहम कर देते एक्सेप्ट कर लेते बिना शर्त बिना चूचना के मान लेते। अपनी जिंदगी की गाड़ियों में जिंदगी के अमलों में ढालने की कोशिश करते सुनने के फौरन बाद। ऐसा नहीं कि आज हमने सुन लिया कल मन होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सहाबाए किराम जिस हालात में जिस अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना देखा उस पर अपने आप को पूरी जिंदगी भर ढालते रहे। उसी कड़ी में हम आप हजरात के सामने कुरान के ताल्लुक से चंद बातें बहुत कम वक्त में रखना चाहता हूं। जब कुरान करीम मुख्तलिफ शक्लों में था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया और हजरत उस्मान के जमाने में हजरत उमर के जमाने में बहुत बड़ा काम हुआ। काम क्या हुआ कि सब आयतों को ज़ैद बिन साबित के जरिए से तस्दीक हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कार्य के लिए
उनको एक जिम्मेदार के तौर पर बनाया और तस्दीक शुदा जब तक तहरीरी शक्ल में लिखावटी शक्ल में ज़बानी शक्ल में जब मैचुअल नहीं करता था उस वक्त तक हजरत ज़ैद बिन साबित उसको लेते नहीं थे। सहाबाए किराम बहुत पुरजोश मेहनत करके इस कुरान को इकट्ठा किया और अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस कुरान के ताल्लुक से आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया आपने सुना होगा कि कुरान से कितनी मोहब्बत थी कि अभी ईमान नहीं लाए थे हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक ईमान नहीं लाए थे, बहन बहनोई पढ़ रहे थे और गुस्से में आकर के तमाचा छलांग लगा करके घर में दाखिल हुए और तमाचा बोस कर दिया, दोनों लहूलुहान हो गए। लेकिन कुरान की चाशनी, कुरान की मिठास, कुरान का शगफ इतनी बढ़ चढ़ करके था कि सहाबाए किराम बयान करते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अफसोस के मारे उसके बाद फिर तलाश शुरू किया, दोनों से बड़े गिड़गिड़ाए, आरज़ू मिन्नत किया कि मुझे ले चले उस शख्स के पास किस पर ये कुरान उतरा। और लंबा वाकया है। इसी तरीके से एक बहुत मशहूर वाकया है कुरान ही की मिठास। तीन लोग थे जिन्होंने अहद कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब है, नाज़िल किताब नाज़िल हुई है, इसके सुनने वाले अपने आबा व अजदाद के दीन से फेर दिए जाएंगे। इनके आबा व अजदाद के दीन से क्या होंगे, हटा दिए जाएंगे और अपने आबा व अजदाद के दीन से नमस्ना हो जाएंगे, दूरियां हो जाएंगे। इसलिए तमाम लोग तीनों लोगों ने फैसला किया कि आप ही ना उनके पढ़ने वालों का सुने, आप ही ना सुने, आप ही ना सुने। लेकिन तीनों ने ये सोचा, फैसला किया, इत्तेफाक हुआ और राय मशवरे के बाद तीनों ने अपने अपने घर लौट गए। लौटने के बाद तीनों ने ये सोचा वो नहीं गए होंगे, वो नहीं गए होंगे, वो नहीं गए होंगे। लेकिन कुरान की मिठास, कुरान की हलावत, कुरान की चाशनी ने ये सोच उनके दिल में बदला कि वो दोनों नहीं गए होंगे, मैं चलता हूँ जाके सुनूंगा, तिलावत हो रही है मैं जाके सुनूंगा। वो शख्स जाते हैं, जाकर के सुनते हैं, दूसरा शख्स आता है, उन्होंने कहा कि आप क्यों लेके आए, क्यों आ गए। वो जवाबन कहते हैं मैं घर पे रह नहीं सका, कुरान की आयत, कुरान की मिठास, अल्लाह के कलाम और ये जो आखिरी रसूल जो मक्का के लोग ऐलान कर रहे हैं और ये आसमानी किताब है और ये मौजज़ात के तौर पर है और ये कोई बंदे का कलाम नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कलाम नहीं है, ये कोई बनावटी कलाम नहीं है, ये आसमानी किताब है और इसकी मिठास है, इसके पढ़ने वाले के दिल में एक महबत तारी हो जाती है और एक रिक्कत तारी होती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब है, दिल लरज उठता है, कांप उठता है और लग रहा है मैं बगैर ईमान के रह नहीं सकता। ऐसा उन्होंने एहसास किया और वो तीसरा व्यक्ति भी आता है, तीनों ने इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो जाते हैं। इस्लामी भाई, ये इस्लाम की चंद बातें हैं और कुरान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। पूरी दुनिया में सबसे बेहतर व्यक्ति गर्दाना गया, माना गया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा देने वाला, लेने वाला, कुरान के पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, लेने और लेने देने वाला, ये कुरान के इंतजाम करने वाले, मदारिस के इंतजाम करने वाले, हुफाज इकराम की तनख्वाहों की अदायगी करने के लिए। क्यों? हजरत उमर फारूक के जमाने में और सुने बीरे मौलाना के पास अहदे अबू बकर के जमाने में क्या हुआ, 70 हुफाज इकराम को शहीद कर दिया गया। क्यों? कुछ लोग धोखाधड़ी में आए और दरखास्तें की और इजाजत तलब की कि हम लोगों को कुरान सीखना है,
इस बिना पर चंद लोगों को हमारे ऊपर मामूर कर दे ताकि हमारे यहाँ जाकर के कुरान को सीखे और सिखाए। उन लोगों को भेजा गया, 70 हफ्ताजे किराम को भेजा गया और धोखे में ले जाकर के वीरे मऊना के पास 70 हफ्ताजे किराम को शहीद कर दिया गया। क्यों? ताकि कुरान क्या हो, पढ़ने वाला कम पड़ जावे। लेकिन सुने, कुरान की इस कदर बड़ी बरकत है कि जिस घर पे कुरान की वो पहली सूरत सूरे फातिहा के बाद दूसरी जो सूरत है सूरे बकरा जिस घर में पढ़ा जावे उस घर के बरकत के दरवाजे खोल दिया जाता है और शयातीन इबलीस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। और आयतुल कुर्सी का वाकया भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को निगरान बनाया था किस पर, खजाने में, ताकि उसकी हिफाजत हो सके, बैतुल माल की हिफाजत हो सके। एक यहूदी इबलीस की शक्ल में आया। आयतुल कुर्सी की फजीलत को जरा देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसकी हिफाजत क्या करो। चोर आया, पकड़ा गया, अबू हुरैरा से बड़ी मिन्नतें करने लगा हो कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि उनको छोड़ दिया गया कि आज से मैं ऐसा काम में नहीं आऊंगा, उनको छोड़ दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये अबू हुरैरा बतलाओ कोई आया था तो झूठ नहीं बोल पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हाँ आया था। फिर दूसरे दिन भी आएगा, अल्लाह के नबी ने घोषणा कर दिया, जाओ उसकी निगरानी करो। वो दूसरी रात भी वो दाखिल होगा, बैतुल माल चुराने के लिए आएगा। फिर वो व्यक्ति आया, बड़े आरजू मिन्नत किया और फिर फरमाया कि मुझे आज भी छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि तुमने वादा किया था, अहद लिया था, मिखाद लिया था कि आज से मैं दोबारा इस काम के लिए नहीं आऊंगा, फिर दूसरी रात क्यों हासिल हो गया। फिर उन्होंने बड़ी आरजू की, बड़ी मिन्नतें किया, बड़ी दरख्वास्तें की और इतना हसरत ज़दा होकर के अपील किया और तस्लीम करवाया कि मैं आज से नहीं आऊंगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर तीसरा दिन भी आया और बोला, तीसरी रात को फिर पकड़ा गया। नबी ने फिर अबू हुरैरा को बोला, जाओ दूसरी रात को, तीसरी रात को भी वो व्यक्ति आवेगा। और वो पकड़ा गया, शॉर्टकट में बोल रहा हूं, वो पकड़ा गया और उन्होंने कहा आज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हें ऐसी नुस्खा बतला के जा रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसी ताबे ऐसी ऐसी चीज बतला के जाऊंगा जिसको तुमने कभी नहीं सुना होगा। अबू हुरैरा का बयान है, तीसरी रात को उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ के बतलाया और उन्होंने कहा कि मैं सुना था सहाबा इकराम से, नबी की मजलिस से सुना था, ये दरसे दी जा रही थी कि जो व्यक्ति आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा सुबह पढ़ेगा शाम तक फरिश्ते उनके माल के उनके जान की हिफाजत क्या करेंगे। अगर रात को पढ़ लेता है तो उस बंदे का घर का, उस बंदे का, उन तमाम मालों का, अहल वयाल का, रिश्तेदारों का, मोहल्ले का, मुआशरे का, तमाम चीजों का निगहबान हो जाएगा। ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है जो कुरान ही में तीसरे पारे का पहले सफा में है। इस्लामी भाइयों, ये आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलत है, इसलिए हर व्यक्ति को, अल्लाह हर व्यक्ति को पांच वक्त नमाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ मौइज़तैन की भी बड़ी फजीलत है। जो लोग मौइज़तैन हमेशा पढ़ते रहेंगे उनको ना किसी तरह की धुतकार, शैतानी धुतकार, भूत प्रेत, जिन जो खराब किस्म के जिन हैं उनको कभी भी सेटअप नहीं कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने अमल के एतबार से सूरह मौइज़तैन पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, जब जब मौका मिले पांच वक्त नमाज में पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से कुरान के ताल्लुक से हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मैं जब आता तो उमर फारूक कहते कि मुझे क्या करो, कुछ कुरान पढ़ करके सुनाओ।
حضرت عمر فاروق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر کے اس قدر جھک جاتے, اس قدر مایوس ہو جاتے, اس قدر اپنے دل ملائم ہو جاتا قرآن کی تلاوت سے, کیا بتلایا جاوے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھل بولتے ہیں, جس وقت میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ کہتے مجھے دلاؤ, رغبت دلاؤ, مجھے کیا ہے شوق دلاؤ قرآن کی تلاوت کرتے, حضرت عمر فاروق بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا کرتے تھے. اور ابو موسیٰ نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک فجر کی نماز میں ایک امام صاحب کو پڑھتے سنا. کیا سنا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت سے فجر کی نماز پڑھایا جا رہا ہے. میں نے چاہا کہ اتنا پڑھے کہ پوری سورت سورہ بقرہ کی فجر کی نماز میں ختم ہو جاوے. یہ صحابہ کا دستور تھا سننے کا, سنانے کا. اور آج ہم ذرا سی تقریر لمبی ہو جاوے اس میں وقت نہیں, قرآن نماز میں لمبی ہو جاوے اس میں بھی وقت نہیں, سارا کام کا وقت ہے لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. ذرا پوچھئے ان لوگوں کو کس کو؟ حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آہستہ بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر اور عمر سے جو بات بولتے دونوں دوبارہ ریکویسٹ کرنا پڑتا, بولنا پڑتا کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں. نبی پوچھتے اس قدر خوف کا سوتے, نبی اتنا خوف کھاتے تھے آیت نازل ہونے کے بعد کہیں میری آواز نبی کی آواز سے زیادہ نہ ہو جائے, یہ خوف تھا, ڈر تھا کہ میری آواز, ابوبکر فرماتے ہیں کہ میری آواز, اور فرماتے ہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جاوے. یہ خوف تھا کہ نبی کی آواز ہم سے نہ زیادہ ہو جاوے. یہ قرآن کا عمل ہے, یہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ فرمایا ایمان والو کہ تم اپنی آواز کو پست رکھو, فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے. اور سنیے, جب قرآن نازل ہوا مکہ سے مدینہ جب گئے لوگ ہجرت کر کے, ایک انصار کے یہاں لوگ, ابو قیس کے یہاں لوگ جا کر کے دیکھ کر کتنا خوش ہوئے, مکہ کے لوگ اتنا خوش ہوئے جا کر کے, وہاں مہمان رہ کر کے دیکھا اور اتنی انسیت ہوئی کہ اتنا خوش ہوا, مکہ آ کر کے اس کا چرچا ہونے لگا کہ انصار لوگ, مہاجر لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے, آج یہاں پر آپ ہیں, کوئی دوسری جگہ سے لوگ آتے ہیں اس کی آپ مدد کرتے ہیں, گھر بیٹھنے کے دیتے ہیں, کھانے کے دیتے ہیں, تمام چیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کا اگر دو بیویاں ہیں تو انصار لوگ تلاش کر کے دوسرے کے لیے, مہاجر کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہاں تک ہے کہ انصار ان کو کہا جاتا ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرے, ان کو انصار کہا جاتا ہے. مہاجر جو ایک جگہ جو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جائے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. تو اسلامی بھائیوں, حفاظ کرام میں عورتیں اور مرد, غلام آزاد یا غلام, چار پرکار کے لوگ حفاظ ہوا کرتی تھی, کرتے تھے, عورتیں بھی حفاظ کرام تھیں اور مردوں میں بھی کچھ آزاد
हुफाज इकराम थे और कुछ गुलाम। उस जमाने में गुलाम हुआ करता था, कुछ लोग मालदार को गुलाम खरीद करके आजाद कर दिया करते थे, कुछ लोग गुलाम खरीद करके आजाद कर दिया करते थे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप हजरात के सामने मैं अपनी खिताब को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पर अमल करने और एक बार बोल दूं, आप कहते हैं कि मौलवी लोगों को तनख्वाह लगती है, जरा उस सहाबा किराम को खलीफा उस्मान के जमाने में, उमर के जमाने में, एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, उमर के जमाने में, उस्मान के जमाने में, अबकर के जमाने में बड़े बड़े सहाबा किराम को उम्माल बनाकर, आमिल बनाकर भेजा करते थे और उनकी तनख्वाहें जब हाफिज कुरान बन गए उसको दूसरी जगह भेज दिया करते थे, कुछ लोगों को कूफा, कुछ लोगों को शाम भेजा करते थे और उनकी तनख्वाह मुकर्रर हो जाती थी यहाँ से, कहाँ से, खलीफा के यहाँ से। क्यों? वो कुरान पढ़ाएंगे वहाँ शाम में जा कर के, कूफा में जा कर के, बसरा में जा कर के, लोग क्या करेंगे, वो आम लोग, उम्मार लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कुरान का दर्स देंगे, तालीम देंगे, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की जाती थी। आज अगर किसी मौलवी की तनख्वाह हम लोग देखते हैं तो ये नई चीज़ नहीं है, सहाबा किराम के ज़माने से, खलीफा के ज़माने से काम करने वाले आमिल। आपने सुना होगा कुरान की जो सदकात की सदकात फुकरा अपनी सबील भी, एक लफ्ज क्या आया है, अपनी सबील आमिलीना, उसमें आए जो आमिल हैं, तहसीलदार हैं, जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं इदारे की वजह से, मस्जिदों के लिए तमाम चीज़ों को, अपनी जान को वक्फ कर देते हैं, अपने पसीने को बहा देते हैं, ठंडी को बर्दाश्त करते हैं, गर्मियों को बर्दाश्त करके मस्जिद के चंदे करते हैं या मदारिस के चंदे करते हैं, उनका पैसा लेना सही है। क्यों? अल्लाह के नबी के बाद जो लोग हुफ्फाज़े किराम भेजे जाते थे बसरा में, कूफा में, शाम में, सबकी तनख्वाहें, हत्ता कि उमर फारूक के ज़माने में जिस कदर आज स्कॉलरशिप आप लोग लेते हैं, जो तालिबे इल्म स्टूडेंट लेते हैं, जो हाफिज़े कुरान बना करते थे उस ज़माने में, उमर फारूक दो हज़ार दिरहम क्या करते थे, तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर कर दिया करते थे। ये कुरान की फजीलत है कि एक हुकूमत की तरफ से अल्लाह के नबी के बाद, और सुन लीजिए, ये कुरान आखिरत तक ये आसमानी किताब है और दूसरी किताब इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। तमाम किताबों में तहरीर तब्दील हो चुकी है लेकिन कुरान ऐसी किताब है, फातू बि सूरतिन मिन मिस्ली, फिरौन के जमाने में कुरान के अंदर जो बहस मुबाहिसा हुआ, ये चंद लंबा वाकया है। आपको लोग